रीवा की लोकायुक्त पुलिस टीम ने शहडोल जिले के ग्राम पंचायत मैकी के सरपंच और महिला पंच को एक चाय की दुकान में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे सतना के सांसद गणेश सिंह ने अपने चुनावी अभियान शुरुआत की। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे जनप्रतिनिधियों को नसीहत देते हुए कहा कि बाबाओं से चुनाव नहीं जीता जाता, जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत जाएंगे। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन 30 सितंबर को शाम 5 बजे किया जाएगा। प्रायोरिटी कॉरिडोर पर होने वाले इस सर्वे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी रहेंगे मौजूद। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र को टीचर का मारना इस कदर खटका कि उसने 3 नाबालिगों के साथ टीचर के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने अभी तक 2 किशोरों को हिरासत में लिया है। रीवा जिले के केवटी जलप्रपात में लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि 2 दिन पूर्व केवटी गांव के कुछ मछुआरे कुंड में मछली मारने गए थे। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जंगल के रास्ते नीचे उतरी, इसके बाद शव को ऊपर ले आई। रीवा के अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के पैकिंग प्लांट के कन्वेयर में फंसने से हुई श्रमिक की मौत। रीवा में जीएसटी की टीम ने आराधना ट्रेडर्स इंडस्ट्री और अजय ब्रदर्स पर मारा छापा। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के कार्यक्रम में पीएम मोदी 5 अक्टूबर को आएंगे जबलपुर। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।